बचाओ। बचाओ मुझे। गेट अप, गेट अप। मैं चाहूं तो तुम लोगों को जेल में ठूस सकता हूं, लेकिन तुम लोगों को इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि तुम्हें भेजने वाले को तुम जाकर बता सको। हमारी पार्टी के सदस्य और कार्यकर्ताओं को मेरा प्रणाम। आज हमारी पार्टी के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमारी पार्टी के सभी सदस्यों की कड़ी मेहनत से आज हमारी पार्टी इस राज्य में एक महत्वपूर्ण पार्टी बनके उभरी है। इसके लिए हम आप सबका धन्यवाद करते हैं। आशा करता हूं कि हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे और सिर्फ राज्य नहीं बल्कि पूरे देश में राज्य करेंगे हम एक न एक दिन। हमारी इस सभा की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे मंत्री जी पधारे हुए हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं और दिल से आभार प्रकट करता हूं। मंत्री जी ने हमेशा हम सबका उत्साहवर्धन किया है, हमारी पार्टी का हर कार्य में सपोर्ट किया है। ऐसे मंत्री हमारे देश के, हमारे युवाओं के एक प्रेरणा स्रोत हैं। हम सब इनका सम्मान करते हैं। आज हमारी पार्टी के लिए ये एक बहुत ही अच्छा दिन है कि मंत्री जी यहाँ हैं। हम सब आज उनका आभार प्रकट करेंगे और उनके सम्मान में हम सब उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। ये हमारे लिए मान की बात होगी। मुबारक हो मिस्टर रवि, आपके स्पेशल इफेक्ट्स का तो जवाब ही नहीं है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कई स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन आपकी तरह नेचुरल कोई नहीं है। ठीक है ना बाबू? सर, आपकी टाइमिंग और इफेक्ट्स का जवाब नहीं है। ठीक है ना? मैंने आपसे कहा था ना सर, मेरे गुरु को क्या समझा है, इनका दिमाग इतना तेज है, अगर ये अमेरिका में पैदा होते ना तो कहां के कहां पहुंच जाते। ये तो आपकी खुशकिस्मती है जो ये यहां आपके साथ काम कर रहे हैं।
और वो भी खास कर मेरे लिए, ये यहाँ पर है। वो क्या है ना मिनिस्टर साहब, अब आप एक काम कीजिए, यहाँ से निकल लीजिए और अपने घर जाइए, अच्छा खाना खाकर सो जाइए। हो गई तेरी बकवास? हाँ हो गई, क्या बात है? सामान उठाओ, मैं घर जाना है। गुरु गुरु अपनी पेमेंट लेनी बाकी है, अगर पेमेंट नहीं मिलेगी तो अपनी पेमेंट रह जाएगी, सोच लीजिए अच्छी तरह से। हाँ हाँ तो ठीक है, सुनो रूम में रख दो। हेलो हेलो, आई एम ज्योति जर्नलिस्ट फ्रॉम सितारा मैगजीन। हाय सितारा, मुझे आपका इंटरव्यू चाहिए। इंटरव्यू चाहिए? वो भी मेरे जैसे आम आदमी का? लोग हीरो हीरोइन का इंटरव्यू लेते हैं, मेरे जैसे टेक्नीशियन का इंटरव्यू कौन लेता है? सर, किसी भी सिनेमा की सफलता के मुख्य कारण पर्दे के पीछे जो मेहनत करते हैं वो टेक्नीशियन ही होते हैं। आजकल के श्रोताओं को यही सब बात समझाने के लिए हमारे मैगजीन ने आपका इंटरव्यू लेने का सोचा है। इंटरव्यू? अरे इंटरव्यू देने में तो हमारे गुरुजी को कोई दिक्कत नहीं है, आराम से दे देंगे। फिल्मों की सफलता या हार का ये एक मुख्य कारण है और इसमें हमारे गुरुजी तो माहिर है। तू अपना मुंह बंद रखेगा या लगाऊं दो चार कान के नीचे? सुनिए, एक्सट्रीमली सॉरी, आज मैं इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगा, रविवार को मेरे घर आ जाइए। श्योर, आ जाऊंगी। आपने कहा आप मेरे घर आएंगे, लेकिन मेरा पता जानती है? जो नहीं पता उसे भी जानना हमारी ड्यूटी का हिस्सा। अरे वाह, जो भी हो लेकिन मेरा भी एक फोटो छाप दीजिएगा। पहले इंटरव्यू उसके बाद फोटो। सी यू बाय। हेलो, मेरा भी सी यू, मेरा भी बाय 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 बाय। ये सब तो ठीक है गुरु, लेकिन तुमने इंटरव्यू के लिए बाद में क्यों बुलाया? अच्छा मौका हाथ से जाने दिया। वो सब तो ठीक है गुरु, लेकिन इंटरव्यू के बाद मेरे बारे में भी दो शब्द कह देना, अगर तुम कहोगे तो मेरे फैंस की भी तादाद बढ़ जाएगी। जरूर कहूंगा। मैं कहूंगा कि तुम दुनिया के सबसे कमीने इंसान। ए चुपचाप सूटकेस उठा के वैन में रख, मैं कपड़े बदल के आता हूँ, चल। गुरु देखो शोभा खड़ी है। शोभा? अरे हाँ वही तो, लगता है बस का इंतजार कर रही है। शोभा शोभा यहाँ आओ। ए तुम पीछे बैठो। ठीक है गुरु। माँ माँ, आज शूटिंग बहुत अच्छी हुई, मैं बहुत थक गया हूँ और जोर से भूख लगी, जल्दी से खाना दो ना। अभी अभी तो आया है, थोड़ा इंतजार कर। अच्छा छोटी कहाँ मिल गई? ये कॉलेज के बस स्टैंड पे इंतजार कर रही थी वहीं से। अरे हाँ, डॉक्टर ने आपको चश्मा पहनने के लिए कहा था ना, आप पहनती क्यों नहीं? पहनती हूँ। ए खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, माँ की मदद क्यों नहीं करती? माँ की इतनी चिंता है तो शादी क्यों नहीं कर लेते? मेरी शादी होने के बाद तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा, यही कहना चाहती हूँ। जाओ भैया। अच्छा तू जाकर नहा धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। बाबू कहाँ है? वो कमरे में सामान रखने गया है, आ जाएगा माँ। नमस्ते। नमस्ते नेताजी। नमस्कार। नमस्ते नेताजी। नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते सर। ज्यादातर लोग पोस्ट पर आते ही लोगों को भूल जाते हैं, लेकिन आप हमेशा लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, ये आपकी महानता है। इसमें महानता वाली क्या बात है, एक मंत्री तो प्रजा का सेवक होता है। अच्छा सुनो बनर्जी। जी सर। मुझे एक आत्महत्या के बारे में खबर आई है। यस सर। इस बारे में मुझे सीएम से बात करनी है, उन्होंने धनराशि देकर उस परिवार की मदद करने के लिए कहा है, उस परिवार को तत्काल मदद मिल जानी चाहिए। अच्छा ठीक है, बाद में। सर हाँ? ये जो लड़का है ना, वो हमारे एक पुराने कार्यकर्ता का बेटा है सर। नमस्ते सर। आपसे नौकरी के सिलसिले में सिफारिश करने आया। देखो बैनर्जी, ये सिफारिश जैसे शब्दों से मैं बहुत नफरत करता हूँ, कुछ हासिल करने के लिए अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर सिफारिश से नौकरी मिले तो आदमी उसकी अहमियत नहीं समझता, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आई एम सॉरी।
सर 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 क्या है? अभी आप अंदर जाएंगे, मंत्री जी से बात करेंगे, वापस आने में थोड़ी देर लगेगी ना। हाँ लगेगी, तो तब तक मैं एक काम करता हूँ, सलून में जाकर अपने बालों की कटिंग करा लेता हूँ। क्या करोगे? कटिंग करवाओगे? हेयर कटिंग? हाँ सर। सुनो, हम यहाँ मंत्री जी के घर आए हैं, तफरी करने के लिए नहीं आए। एक बात बताओ, कमिश्नर साहब के ऑफिस गए थे तब भी तुम हेयर कटिंग कराने गए थे? सर वो मैं नहीं था सर, वो जोसेफ था सर। मैं कभी झूठ नहीं बोलता सर। तुम झूठ नहीं बोलते? मुझे सब पता है, तुम झूठ बोलकर सिगरेट पीने जा रहे हो। मैं तो सिगरेट पीता ही नहीं हूँ सर। हाँ, तुम सिगरेट नहीं पीते? हाँ, अगर ऐसी बात है तो फिर वो पान दुकान वाला पुलिस स्टेशन में आकर मुझसे ये क्यों कहता है कि तुम्हारे 100 रुपए बाकी है? उसने आपसे कहा कि मेरे 100 रुपए बाकी है उसके पास? बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल झूठ है। क्यों झूठ बोल रहा है वो? 100 रुपए नहीं सर, सिर्फ 20 रुपए बाकी है मेरे। देखा, तुम झूठ बोल रहे थे। इसके बाद अगर झूठ बोला ना तो मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगा। बी केयरफुल, चुपचाप खड़े रहो। ठीक है सर। अच्छा चलता हूँ सर। ठीक है, जाइए। गुड मॉर्निंग सर। आओ इंस्पेक्टर आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सुना है दुकानों पे रेड करके गैर कानूनी कैसेट जब्त किया है? हाँ सर, आपके ऑर्डर्स के मुताबिक मैंने रेड डाली। इसमें कई बड़े लोग शामिल हैं सर, सोच समझकर अरेस्ट करना होगा सर। कानून के आगे ना कोई बड़ा है ना छोटा है, सब के सब बराबर है। तुमने बहुत बहादुरी से अपनी ड्यूटी निभाई है। Congratulations. थैंक यू सर। अगर मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से कर पा रहा हूँ तो उसके पीछे आप ही हैं सर। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अगर इसी तरह आपका साथ मिलता रहा तो मैं इस शहर को अपराध मुक्त कर दूंगा सर। मैं तुम्हारे प्रमोशन की बात करूंगा, तुम्हारे जैसे ऑफिसर को इनाम मिलना ही चाहिए सर। तुम इसी तरह अपना काम करते रहो। थैंक यू सर। गुड लक। कहाँ है मेरे पुत्र जो नाश्ते के लिए भी नहीं आ सके? अब उसे कुछ जरूरी काम है, इसलिए 2 दिन से घर नहीं आया है। ऐसा कौन सा जरूरी काम है? आधी रात तक क्लब में घूमता है, उसके बाद लड़कियों के साथ रंग रलियां मनाता रहता है, उसकी वजह से मेरा नाम बदनाम हो रहा है। छोड़िए ना जी, अभी छोटा है। क्या कहा छोटा है? शादी हो जाती तो 2 बच्चों का बाप होता अब तक वो। तुम हमेशा उसकी बुराइयों को छुपाती रहती हो। आखिर गया कहाँ है वो इस समय? हेलो, पुट मी 222-121। तेयुम तत्ता तेयुम ताहा तेयुम तत्ता तेयुम ताहा तेयुम तत्ता तेयुम ताहा तेयुम तत्ता तेयुम ताहा। मैं भी आई। हेलो। हाय लाली डार्लिंग, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कहाँ हो? मेरे फंक्शन में आओगे कहा था? मैं तुम्हारे फंक्शन में नहीं आ पाया, इसी बात को लेकर नाराज हो ना? और नहीं तो क्या, हर दिन फोन करूंगा कहकर इस तरह से गायब हो गए? सुनो डार्लिंग, मंत्री का बेटा जो हूँ, मेरे पिताजी की पार्टी मीटिंग्स, कैनवेसिंग, सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। टाइम ही नहीं मिल पाता, क्या करूँ बताओ ना। नाराज मत होना, माफ कर दो प्लीज। वो तो मैंने कर ही दिया है, लेकिन घर कब आ रहे हो? इस समय तो बहुत जरूरी काम में बिजी हूँ, शाम को मिलते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बाय बाय। राम बाबू, नाश्ता तैयार है? हाँ, एक मिनट, ये सारी कैसेट दुकान ले जानी होंगी। ए, इधर आना, ये सारी कैसेट दुकान पर ले जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हेलो, ज्योति स्पीकिंग, मैं एडिटर बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ज्योति, आज हमें हीरोइन राधा का इंटरव्यू लेना था, लेकिन रिपोर्टर अभी तक आया नहीं है, उसकी जगह तुम चली जाओ। मैं आधे घंटे में पहुँचती हूँ सर। ठीक है। किसका फोन था? ऑफिस से एडिटर का फोन था, आज एक हीरोइन की शादी के प्रेस मीटिंग को कवर करना है। पहले शादी की प्रेस मीटिंग होती है, उसके बाद डाइवोर्स की प्रेस मीटिंग होती है, फिर शादी, फिर प्रेस मीटिंग। सिनेमा वालों को दूसरा काम नहीं है क्या? ये अच्छी बात है, उसके लिए क्या काम बदल लूं? अच्छा सुनो राम बाबू, एडिटर सर तुम्हारी दुकान से आकर रैम्बो 3 लेकर जाएंगे। ओ, देखो अब तुम मेरी एक बात सुनो, ये कैसेट की दुकान मुफ्त में कैसेट बांटने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तुम उनसे एक बात कह देना, इससे पैसे कमा कर ही मुझे मेरी बहन की शादी करनी है। सुनो, मैंने भी तुम्हारे बारे में बताया था उनको, तो उन्होंने कहा अगले महीने सिंगापुर जा रहे हैं, वहाँ से तुम्हारे लिए अच्छी कैसेट लेकर आएंगे। वेरी गुड, अगर वो इतनी उदारता दिखा रहे हैं तो मैं भी उदारता दिखाऊंगा, उन्हें जो कैसेट चाहिए वो आकर ले जाए। ओके। अरे बाप रे,
मुझे देर हो रही है, उस प्रेस मीटिंग के बाद मुझे एक जरूरी इंटरव्यू लेना है, मैं चलती हूँ। बाय। अच्छा ये बताओ, तुमने हमारी शादी के बारे में अपने पिताजी से बात की? बिना बताए रह सकता हूँ? उन्होंने कहा अच्छा मुहूर्त देख कर बात करेंगे, और एक बार अच्छा मुहूर्त निकल गया उसके बाद हम दोनों की शादी तय कर देंगे, ठीक है ना? मैं बस इसी खुशखबरी का इंतजार कर रही थी, एक बार मेरी शादी हो गई तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, भगवान से यही प्रार्थना है। हेलो ज्योति, कैसी हो? हेलो, क्या बात है, बड़े थके हुए लग रहे हो। अब मैं आपको क्या बताऊं ज्योति जी, शूटिंग का काम दिन रात चलता रहता है, इसीलिए मैं थक गया हूँ। कभी इसकी शूटिंग, कभी उसकी शूटिंग, क्या बताऊँ, सब शूटिंग में हमारा ही काम है, इसीलिए बहुत बिजी हैं। इतने बिजी? बिजी तो हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है, बस काम करते रहते हैं, हाथ में कुछ नहीं आता है। वो बस मैं तुम्हारे बारे में ही बोल रहा था। बस करना, कितनी बकवास करता है। गुड मॉर्निंग रवि जी। गुड मॉर्निंग। वैसे आज अचानक यहाँ कैसे? मैंने जो आपका इंटरव्यू किया था वो छप गई है, वही दिखाने आई हूँ। इतनी जल्दी छप गया क्या? क्या छपा है? आप आर्टिस्ट थोड़ी हैं जो डर रहे हैं कि आपके बारे में क्या छपा होगा। फिल्मी खबरों में तो एक दूसरे के बारे में कुछ भी छाप देते हैं, किसी की भी जोड़ी बना देते हैं। तेरी जुबान बहुत ज्यादा चलने लगी है, चुप रह। सिनेमा की दुनिया का माया लो, कैप्शन तो बहुत अच्छा है। मतलब अंदर का मैटर अच्छा नहीं होगा? अरे मैंने तुमसे ऐसा कब कहा, जरा रुको तो पढ़कर बताता हूँ। मेरे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। मैंने इस मैगजीन में कुछ गलत तो नहीं लिखा है ना? आपने सही कहा गुरु, मेरे बारे में अच्छा ही बताना। अगर तूने अपना मुंह बंद नहीं किया ना तो मुंह तोड़ के रख दूंगा, चल अंदर। मेरे बारे में इतनी अच्छी बातें लिखने के लिए थैंक्स। इतना अच्छा लिखा है तो उसके लिए बस एक थैंक्स। तो पार्टी दे देता हूँ? वो मैं बाद में ले लूंगी, लेकिन अभी मुझे एक प्रेस मीटिंग के लिए जाना है। ठीक है, बाय। गुरु तुम मेरी बात मानो, अपनी वैन में बिठाकर किसी बड़े होटल में ले जाकर खाना खिलाना, उसके बाद डम डमा डम डम डमा डम। तेरी जुबान बहुत चलने लगी है, इसे काबू में रखा कर। एक बड़ी दुकान में चोरी करने वालों को पुलिस ने सिर्फ 4 ही दिनों में पकड़ लिया है। गांव में एक महिला का बलात्कार करने वाले 3 दरिंदों को पुलिस ने 3 दिन में पकड़ लिया है। और तो और, बंजारा हिल्स में बहुत दिनों से चोरी कर रहे चोरों के गिरोह को इंस्पेक्टर चक्रवर्ती ने रंगे हाथों धर दबोचा, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए सर, गलती हो गई सर, आप नहीं थे इसलिए अच्छा बैठ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो तुम मेरी सीट पर बैठोगे। सुन लो, आज के लिए, कल के लिए और आगे के लिए भी, दोबारा ऐसी हरकत की तो तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ, हवा निकाल दूंगा। आज का समाचार पढ़ो। विशाखापट्टनम में हत्या, गुंटूर में बलात्कार, हैदराबाद में चोरी। ओके, तुम जानते हो आजकल के पत्रकारों का सिर्फ क्या काम रह गया है? क्या काम है सर? उनका यही काम है, पुरानी चोरी के बारे में खबर ढूंढते हैं और रोज रोज वही छापते रहते हैं। ना तो कोई नई खबर होती है और ना इनके पास कोई नया मुद्दा होता है, समझ गए? आप पत्रकार होते तो क्या करते सर? अगर मैं पत्रकार होता तो एकदम नई खबर छापता। मतलब? मतलब चोरी होने के पहले ही खबर छाप देता, चोरी होने के बाद उसी खबर को दोबारा छापता। वैसे ही मर्डर, मर्डर होने के पहले खबर छापता और मर्डर होने के बाद भी खबर छापता। जैसे फिल्मों में जेम्स बॉन्ड करता है। हाँ बिल्कुल सही, वैसे ही करता। जैसे बलात्कार, पुलिस वालों के साथ जाकर पहले पीछा करता, बलात्कार होता हुआ देखता, उसके बाद खबर छाप देता। आप ऐसा करते तो पढ़ने में मजा ही आ जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप कांस्टेबल की नौकरी से इस्तीफा दे दीजिए सर, उसके बाद आप सीधे पत्रकार बन जाइए, तहलका मचा देंगे सर। क्यों रे, तू चाहता है कि मैं रिजाइन कर दूं और मेरे बाद सीनियर होने के नाते तू डायरेक्ट मेरी सीट पे बैठना चाहता है? आज कल परसों भविष्य में या जीवन में कभी भी ये कभी नहीं होगा, मैं रिजाइन बिल्कुल नहीं देने वाला। हेलो ज्योति जी। हेलो मैडम, व्हाट इज द ट्रबल? क्यों रे, हिंदी नहीं आती क्या? हाँ,
क्या परेशानी? पता नहीं, कुछ प्रॉब्लम है। ऐसी बात है? मुझे गाड़ी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन मैं जानता हूँ। ये बात है तो ये लो, इसे पकड़ो। सुनिए, आपने कहा था ना कि मेरी पार्टी बाकी है। हाँ, वो तो है। मुझे भी। चुप रहो, यहाँ पास में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ चले। और मैं? तुम यहाँ बैठ के गाड़ी ठीक करो, उसके बाद रेस्टोरेंट में आ जाओ। ऐसा क्या? और आके हमारा मुंह देखना। आइए, ये लो। वाह, क्या किस्मत है, गुरु तो लव में अब डुएट गाने वाले हैं और मैं यहाँ गाड़ी ठीक करूँ। हेलो, मंत्री जी है क्या? नहीं, मंत्री जी तो नहीं है। कहाँ गए हैं? किसी जरूरी काम से गए। आप क्या करेंगे ये मैं नहीं जानता, कैसे करेंगे ये भी नहीं जानता, बस मेरा काम हो जाना चाहिए। मेरे कॉन्ट्रैक्ट वाली बात भी आप ही संभाल लेते तो प्लीज। मेरी बात सुनो, मैं एक मंत्री हूँ, लोक सेवक हूँ, जनता में और राजनीतिक गलियारों में मेरी एक इज्जत है। हो सकता है कल मैं मुख्यमंत्री भी बन जाऊँ, मुझे ये सरकारी कामों में दखल देना बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा आपसे इतना करीबी रिश्ता है, अगर आप इतनी भी मदद नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो मैं क्या करूं? सीएम के सामने मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी अच्छी छवि जो बनी हुई है, कुछ उल्टा सीधा हुआ तो मेरी पूरी जन्म कुंडली खुल जाएगी। मैं भी बस कुछ वक्त गुजार रहा हूँ, समय मिलते ही खेल खेलूंगा। हेलो, मैं ललिता बोल रही हूँ। ललिता, तुम इतनी रात को कैसे फोन किया? मना किया ना तुम्हें फोन करने को? ऐसे ही कर लिया, दो दिन से तुम यहाँ नहीं आए इसलिए। वो सब ठीक है, लेकिन ऐसा करने से हमारे रिश्ते के बारे में सबको पता चल जाएगा, घर के सारे फोन एक्सटेंशन से जुड़े हैं। तुम इस तरह डर क्यों रहे हो? कुछ भी हो, हमारी शादी के बारे में सबको पता चल ही जाएगा ना। वो ठीक है, लेकिन पार्टी की मीटिंग चल रही है, अभी बिजी हूँ। मेरी बात सुनो, कुछ भी करने से पहले समय तो देख लिया करो। अभी फोन रखो, मैं घर आकर मिलता हूँ। ओके। हेलो, हाँ, क्या कहा, फिल्म की शूटिंग है? आपको कांस्टेबल की जरूरत है? ठीक है, ओके, ठीक है, भेजता हूँ। सुनो कांस्टेबल। यस सर। जुबली हिल्स में फिल्म की शूटिंग होने वाली है, तुम वहां जाकर देखो, वहां कांस्टेबल की जरूरत है। सर, टाइम मिलते ही मैं भी आ जाऊंगा। ठीक है सर। सर, हमें भी फिल्म की शूटिंग देखनी है सर। हाँ सर। अरे वाह, फिल्म की शूटिंग देखने के लिए बहुत उत्साह दिखा रहे हो तुम लोग, और जब कहीं ड्यूटी पर भेजता हूँ तो तुम लोग भीगी बिल्ली बन जाते हो। सब पता है, वहाँ पे मनोरंजन नहीं मिलता ना, और शूटिंग में जाओगे तो वहाँ हीरोइनों को नाचते हुए देखोगे ना, साथ में चाय काफी ठंडा कूल चिकन बिरयानी ये सब भी मिलेगा। सिनेमा की शूटिंग देखने में बहुत मजा आता है। तो फिर एक काम करो, तुम दोनों चुपचाप शूटिंग के लिए निकल जाओ, मैं यहाँ थाने में चुपचाप बैठ करके बीड़ी सुलगाता रहता हूँ। ठीक है सर। एक लगाऊंगा तो मेरी सारी बात समझ में आ जाएगी, आज कल परसों शूटिंग पे मैं ही जाऊंगा। एक काम करें क्या सर, आप दोनों शूटिंग में चले जाइए, मैं यहाँ बीड़ी पीता हूँ सर। ये बात है। हाँ। बेटा, मैं भी आगे चल के हीरो बनने वाला हूँ। रवि, तुम रेडी हो ना? हाँ सर, रेडी। एक मिनट रामू, वो वायर उठाना। बालू, बुलेट रिएक्शन के लिए सब लोग तैयार है ना? चलो सब लोग अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाओ और ठीक से काम करना, समझे? सुनिए, मैं कैमरा स्टार्ट करता हूँ, सिग्नल वही रहेगा, ठीक है? ओके, तुम क्लैप दो। टेकन, स्टार्ट कैमरा, एक्शन। ओके, कट। सुपर रवि, थैंक यू, तुम्हारे स्पेशल इफेक्ट सुपर है। लोकेशन चेंज। बाप रे, बहुत थक गया, यहाँ प्रोडक्शन में कौन है भैया, जल्दी से चाय लेके आओ। ए, चुप रहना। अरे क्या हुआ? एक्सक्यूज मी, अरे तुम तो रवि हो ना? अरे तुम बैनर्जी हो ना? याद है? बिल्कुल यार, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ यार, कितने साल हो गए तुमसे मिले हुए। आजकल क्या कर रहे हो तुम? अपना बिजनेस कर रहा हूँ, यहाँ शूटिंग के लिए सामान किराए पे दे रहा हूँ बस,
और बताओ डायरेक्टर साहब क्या कर रहे हैं? कुछ खास नहीं, मेरे काम से खुश हैं, बस इतना ही। वो सब तो ठीक है, तुम यहाँ स्विच वगैरह लगा के क्या कर रहे थे भाई? सिनेमा में स्पेशल इफेक्ट करता हूँ, ये एक अलग तरह की कला है। वो सब कुछ दिखाना जो वाकई में होता नहीं है, शरीर पे गोलियां लगते ही खून निकलना वगैरह, यही मेरा प्रोफेशन है। अच्छा, तो इतने सारे सिपाहियों को मारने का इफेक्ट तुम ही देते हो? हाँ। बहुत बढ़िया, देखने में ये एकदम हकीकत के जैसा दिखता है। हाँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि इसके पीछे टेक्निक होती है। बचपन से ही तुम ट्रिक्स में माहिर थे, आज तुमने वो साबित कर दिया। रवि इधर आओ। हाँ हाँ हाँ, आता हूँ अभी, यार थोड़ा बिजी हूँ, बाद में मिलोगे ना? हाँ ठीक है, मैं भी निकलता हूँ, फिर बाद में मिलते हैं। ओके बाय। ओके सी यू, बाय बाय। Hi darling, how are you? मुझे एक बात सच सच बताओ। तुम क्या पूछना चाहती हो ये मैं पहले से ही जानता हूँ, फिर भी पूछ लो। मैं डांस क्लास शुरू करना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत दिनों बाद इस सुंदर मुँह से कोई सुंदर बात सुनी। यही बताने के लिए दो दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम कहाँ चले गए थे? मेरे पिताजी मुझे भविष्य में मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, इसलिए मुझे पार्टी की अहम जिम्मेदारियाँ दे देते हैं, और मैं उनकी कोई बात टालता नहीं हूँ, इसलिए बाहर चला गया था। सुबह वापस आए या फिर शाम को वापस आए? हाँ, मैंने कहा ना शाम को आया हूँ। झूठ मत कहो, मैंने सुबह तुम्हें एक लड़की के साथ कार में जाते हुए देखा। तुम मुझ पर बेवजह शक कर रही हो, सुनो बेकार की बातों में अपना दिमाग खराब मत किया करो, समझी? आओ ना यार। हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हाँ बिल्कुल टाइम से पहुँच जाएगा। हाँ, आपने जो भी ऑर्डर किया है ना सब पहुंच जाएगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हेलो, बैठिए। अरे ये क्या, आज आप खुद कैसेट लेने आ गई, क्या बात है बताइए। शॉपिंग करने आई थी तो खुद ही चली आई। आपको कौन सी कैसेट चाहिए? अब कैसेट नहीं चाहिए, आप मैरिज वीडियो शूटिंग करते हैं क्या? हाँ, मैरिज फंक्शंस करते हैं ना। शाम को वीडियो कैमरा लेकर मेरे घर आ सकते हैं? श्योर, कोई फंक्शन है क्या? जी हाँ, जरूर आइएगा। ठीक है, थैंक्स, मैं चलती हूँ। हेलो हेलो, आइए बैठिए ना। थैंक्स। आप कैमरा लाने के लिए कहा था लेकिन यहाँ तो कोई फंक्शन नहीं लग रहा है। सच कहूँ तो यहाँ कोई फंक्शन नहीं है। फिर कैमरा लाने के लिए किसने कहा? वो मैं अब देखिए, मैं आपको सब बताती हूँ। बात क्या है? आज रात यहाँ मंत्री जी का बेटा आने वाला है, मैंने आपको यहाँ पर उसी की वीडियो रिकॉर्डिंग करने बुलाया है। व्हाट? माफ कीजिए मैडम, मैं ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता। प्लीज, मैं आपको पूरी बात नहीं बता सकती लेकिन ऐसा करके मेरी मदद हो जाएगी। आप क्या कह रही हैं? मैं आपको अपने भाई की तरह समझकर ये सब कह रही हूँ। कुछ दिन पहले मेरा परिचय मंत्री जी के बेटे रॉकी से हुआ, उसने कहा वो मुझसे बहुत प्यार करता है, शादी करने का वादा भी किया, लेकिन अब मेरी समझ में आया कि वो आदमी मेरे साथ धोखा कर रहा है। अगर वो कल को अपनी बात से मुकर जाता है तो साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत या कोई गवाह नहीं रहेगा, इसलिए कल को अगर मेरा बच्चा हो जाता है तो उसे पिता का नाम देने के लिए मुझे गवाह चाहिए। ये दिखाकर मैं उसे शादी करने के लिए मजबूर कर सकती हूँ, इसलिए मुझे ये सब करना है। वो सब तो ठीक है लेकिन वो मंत्री का बेटा है। गलती करने वाला कोई भी हो उसे सजा मिलनी ही चाहिए ना। ये एक महिला की बात है, ऊपर से बड़े लोग इसमें शामिल हैं। मैं अपने अजन्मे बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ कि किसी भी हालत में आपका नाम बाहर नहीं आएगा। भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए,
प्लीज भैया। ऑल राइट, मैं आपकी मदद करूंगा। आइए। देखिए, जैसे ही आप ये स्विच ऑन करेंगी वो कैमरा चालू हो जाएगा। मैं सुबह आकर कैमरा ले जाऊंगा। थैंक्स। टेक केयर। बैठो ना, बात करनी है। अब जाना है, देर हो रही है मुझे। इतनी जल्दी? ऐसे ही कब तक मिलते रहेंगे? डर लगता है मुझे। ये नशीली रात और उस पर तुम्हारा साथ, लगता है नशे में डूबा रहो। जिंदगी तो तुम्हारे पहलू में ही है। बस बस, तुम तो कविता करने लगते हो, वैसे ही देर हो रही है। चलो ठीक है। हाय हाय। हेलो 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 हेलो। इतनी रात को तुम्हें कौन फोन कर रहा है? मुझे क्या पता। इतनी रात को तुम्हें कौन फोन कर रहा है ये तुम नहीं जानती? झूठ बोल रही हो मुझसे? मैं सब पता लगा लूंगा। सोच समझ कर बात करो। तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? ऐसा सोचते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। Ah!
अरे वाह, तुम आज इतनी जल्दी उठ गए। कोई ना कोई खास खबर तो जरूर है, ये न्यूज तो अखबार की सुर्खियाँ बननी चाहिए। तुम्हें जो करना है करो, मुझे एक जरूरी काम है, जाकर अपना मुझे जल्दी से वीडियो कैमरा लेकर आना है। आज शाम नई कैसेट के लिए मुझे मुंबई भी जाना है। कॉफी कहाँ है? अभी लेकर आती हूँ। क्या हुआ सर? लगता है किसी ने आत्महत्या कर ली है। से चक्कर लगा रहा हूँ, पुलिस है कि अपना काम करने का नाम ही नहीं लेती। पुलिस किस लिए है? वही सबूतों को मिटा देगी तो हमें न्याय कैसे मिलेगा? मुझे तो लगता है कि पुलिस भी उन चोरों से मिली हुई है। आज की ताजा खबर। डांसर ललिता देवी ने आत्महत्या की। आज की ताजा खबर। सर, आप ही एडिटर हैं ना? जी हाँ, आप कौन? सब बताता हूँ। आज अखबार में ललिता जी के बारे में जो खबर छपी थी ना? हाँ, तो उसने आत्महत्या की थी। वो आत्महत्या नहीं है सर, हत्या है। मर्डर, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। पुलिस तो इसे आत्महत्या कह रही है, तुम हत्या कैसे कह रहे हो? क्योंकि मैं सच्चाई जानता हूँ। क्या है सच्चाई? ललिता जी का हत्यारा कौन है मैं जानता हूँ सर, मंत्री शंकर प्रसाद का बेटा रॉकी है। क्या सबूत है इसका? ये कैसेट, डांसर ललिता की हत्या करते हुए रॉकी का ये वीडियो है। वेरी इंटरेस्टिंग, ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं अपने मैनेजिंग डायरेक्टर से बात करके कल ये खबर अपने अखबार में छपवाता हूँ। आओ मेरे साथ। चलो।
तुम यहाँ बैठो, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर से बात करके आता हूँ। ये हमारे अखबार के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मुझे पता चला है डांसर ललिता की हत्या के बारे में जितने भी सबूत हैं वो इस कैसेट में मौजूद हैं। वेरी गुड। गलती करने वाला कोई भी हो, चाहे वो मेरा बेटा ही हो, सब मेरे लिए बराबर हैं। जनता की सेवा करने वाले को कभी कभी बहुत कड़े फैसले भी लेने पड़ते हैं। तुमने कितनी मुश्किलों से ये सबूत जमा किए होंगे, ये सबूत मुझे दे दो। मिस्टर शराफत से कैसेट दे दो, नहीं तो हम अपनी मर्यादा भूल जाएंगे। उसे छोड़ना नहीं, मार डालो उसे और कैसेट ले लो। अच्छा, आपके भाई से आपकी आखिरी बार बात कब हुई? 4 दिन पहले किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ और शाम को नई कैसेट लेने बॉम्बे जाना है ये कहकर निकले थे। हो सकता है बॉम्बे चला गया हो। वो मुझे बिना बताए आज तक कहीं बाहर नहीं गए हैं, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ है। जरूर कुछ गड़बड़ है। हो सकता है कोई जरूरी काम आ गया हो। नहीं सर, चाहे कितना भी जरूरी काम हो मुझे फोन जरूर करते थे। मुझे डर है कहीं मेरे भाई के साथ कुछ गलत ना हुआ हो। आप बेकार में डर रही हैं। मुझे यकीन है आपके भाई के साथ कुछ नहीं हुआ होगा। फिर भी आप एक कंप्लेंट कर दीजिए, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। क्यों बहन, इंस्पेक्टर साहब ने क्या कहा? कंप्लेंट देने को कहा, कहा वो इंक्वायरी करेंगे। इंस्पेक्टर साहब ने कह दिया मतलब भगवान ने कह दिया, आपका भाई आपको जरूर मिल जाएगा। धन्यवाद जी। प्यारे साथियों और भाइयों बहनों, ये समय आ गया है जब ललिता देवी की मौत का न्याय मांगा जाए। ललिता देवी ने आत्महत्या नहीं की थी, वो हत्या थी, और हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मंत्री शंकर का बेटा रॉकी है। हम मुख्यमंत्री से ये मांग करते हैं कि शंकर प्रसाद अपना इस्तीफा दे और रॉकी को अरेस्ट किया जाए, वरना हमारा धरना चलता रहेगा। हमारी मांगे नहीं मानी गई तो सचिवालय का घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री को झुकना ही पड़ेगा। सचिवालय चलो,
चलो सचिवालय। राम कुमार को न्याय दो। मंत्री के बेटे रॉकी को सत्ता दो। शंकर प्रसाद को सत्ता दो। ललिता देवी को न्याय दो। मंत्री के बेटे को सत्ता दो। राम कुमार को न्याय दो। मंत्री के बेटे रॉकी को सत्ता दो। शंकर प्रसाद को सत्ता दो। ललिता देवी को न्याय दो। मंत्री के बेटे को सत्ता दो। राम कुमार को न्याय दो। मंत्री के बेटे रॉकी को देख रहे हो सब, तुम्हारे कारनामे की वजह से हुआ है ये सब। उस डांसर की मौत के बारे में लिखा हुआ है, साथ में उसमें मेरा भी संबंध है, ये भी लिखा हुआ है। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अखबार वालों को खबर चाहिए, कुछ भी छापते हैं। ये बात तुम और मैं कह सकते हैं, लेकिन मेरा विपक्ष से बिल्कुल नहीं सुनेगा। वो सब तो ठीक है जी, लेकिन किसी लड़की की मौत के लिए अखबार वाले हमारे बेटे को क्यों दोषी ठहरा रहे हैं? बेटे के प्रति प्यार ने तुम्हारी आंखों पे बहुत बड़ा पर्दा डाल के रखा हुआ है, लेकिन अखबार वालों और विपक्ष वालों के लिए बहुत अच्छा मुद्दा है। वो तो ऐसे मुद्दे ढूंढते ही रहते हैं गली गली। अरे तुम मंत्री के बेटे हो, इसलिए पूरा अखबार और पूरा मीडिया इस खबर को सुर्खियों में छाप रहा है। क्या करूं मैं? जाने दीजिए ना पिताजी, लिखने दीजिए उन्हें, हमें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें और तुम्हारी माँ को फर्क नहीं पड़ेगा, और जो फर्क पड़ना है वो मेरे ऊपर पड़ेगा। मेरा सम्मान, मेरी पदवी प्रतिष्ठा सब नष्ट हो जाएगी। सुनो, अगर तुम मेरे बेटे नहीं होते ना, तो आज मैं सीएम बन चुका होता। हमें विपक्ष के नेताओं से परमिशन मिली है कि ललिता देवी के मौत के बारे में इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच से करवाएं, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट जो केस हैंडल कर रहा था उसमें उसे सफलता नहीं मिली, डिपार्टमेंट की बहुत बदनामी हुई। इसलिए मुख्यमंत्री ने खास हिदायत दी है कि इस केस को परफेक्टली हैंडल किया जाए। ठीक है सर, इसके लिए काबिल अधिकारियों का चयन करें। सिर्फ काबिलियत से काम नहीं चलेगा, ऐसा ऑफिसर जो किसी से न डरता हो, न पैसे की लालच रखता हो, इस केस के लिए ऐसा ऑफिसर चाहिए हमें। वो कौन है सर? स्मार्ट एंड डैशिंग ऑफिसर, मिस्टर विक्रम। बोल बोल, बोलता है या नहीं? बोलना, कम ऑन, टेल मी स्काउंडरल। मैं दूसरे अफसरों की तरह नहीं हूँ, मेरा समय खराब मत कर, शराफत से बता दे, चल बता बता। नहीं, बोल, शराफत से सब कुछ बोल, वरना छोड़ूंगा नहीं। बोल, मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता। कुछ नहीं पता है? जान से मार दूंगा तुझे, जो पूछता हूँ बता। बताता बताता बताता। कांस्टेबल, इसका स्टेटमेंट लिखो। सर आपके लिए फोन है। मैं विक्रम बोल रहा हूँ। मैं डीआईजी बोल रहा हूँ। यस सर, कोई जरूरी बात? मुझसे तुरंत आकर मिलो। ओके सर, अभी आ रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। आई एम विक्रम फ्रॉम क्राइम ब्रांच। नाइस मीटिंग यू सर। मुझे आपके आने की इन्फॉर्मेशन अभी मिली, प्लीज बैठिए ना। ललिता देवी की मौत के बारे में तहकीकात करने आया हूँ, उनकी फाइल चाहिए। जरूर सर। कांस्टेबल सर, ललिता देवी की फाइल लाना। आपने डांसर ललिता देवी की मौत को आत्महत्या कहा था, क्या मौत के बाद आपने छानबीन की थी? यस सर, ये आत्महत्या ही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आया है। जनरल हॉस्पिटल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ना? यस सर। आप जानते हैं ना कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कितनी अहमियत होती है? यस सर। जिस रात ललिता देवी की मौत हुई, उस रात तालाब के पास कुछ लोगों ने उन्हें देखा था, अगले दिन उनकी लाश मिली, उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सही होगी सर। अगर ऐसी बात है तो पत्रकार और विपक्ष के लोग मंत्री शंकर प्रसाद का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? कोई तो बात होगी। नहीं सर, मंत्री जी का बेटा उस लड़की से प्यार करता था, इसी बात का फायदा उठाकर विपक्ष मंत्री जी से इस्तीफे की मांग कर रहा है। राजनीति में ये सब तो होता ही रहता है सर। सर हाँ लीजिए।
ललिता देवी की मौत आपको विश्वास है कि आत्महत्या थी? बिल्कुल सर, पूरा विश्वास है। देखिए मिस्टर किशोर, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पुलिस ने आत्महत्या कह के केस को क्लोज कर दिया है, और जब बाद में पड़ताल हुई तो पता चला वो आत्महत्या नहीं हत्या थी। सारे केसेस में हत्या को आत्महत्या की तरह दिखाया जाता है। खैर जो भी हो, अब यह केस मेरे डिपार्टमेंट को सौंपा गया है और इस केस की छानबीन मैं करूंगा। फिलहाल इस फाइल को मैं ले जा रहा हूं, इसकी रसीद आपको भिजवा दूंगा। ओके ओके सर। सर तुम्हारा नाम? आत्माराम सर। नजर रखना पुलिस वालों की आदत होनी चाहिए, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए। बी केयरफुल। क्या चाहिए साहब? एक सिगरेट का पैकेट देना। रोज कितना कमा लेते हो? यही कोई 200-300। बस इतना? इतने पैसों में घर का खर्चा कैसे चलता है? क्या करें साहब, चलाना पड़ता है। अच्छा, उस घर में किसी लड़की की मौत हुई है क्या? हाँ साहब, बहुत अच्छी लड़की थी। कभी कुछ भी पकाती थी तो मेरे लिए जरूर लेकर आती। उस रात जब उसकी मौत हुई, कोई उसके घर आया था क्या? याद करो, किसी को देखा हो शायद? मैंने तो किसी को नहीं देखा। जरा सोच के बताओ ना। नहीं साहब। हाँ याद आया, एक लड़का बाइक पर आया था। कहीं वो ये तो नहीं है? हाँ साहब, उस रात को यही तो आया था, और साहब इसने मुझसे सिगरेट भी खरीदी थी। हाँ, उसके बाद यहाँ से कब गया कुछ पता है क्या? पता नहीं साहब, मैं अपनी दुकान बंद करके चला गया था। शुक्रिया, ये लीजिए, आपने मेरी बहुत मदद की, चलता हूँ। हेलो, राम कुमार स्पीकिंग। तुम मुझे नहीं जानते हो, पर मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। कौन बोल रहे हो? चाहते क्या हो? चुप, आवाज नीची, मेरी बात ध्यान से सुनो। ललिता देवी की मौत जिस दिन हुई, उस रात तुम उसके घर बाइक पे गए थे, मैंने अपनी आंखों से देखा था। शट अप, उस दिन मैं शहर में नहीं था। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस बात पे विश्वास कर लूंगा? माय डियर बॉय, अगर ये बात मैंने प्रेस और पुलिस को बता दी तो पता है तुम्हारा क्या? लोग मुख्यमंत्री के बेटे की बात मानेंगे या तुम्हारी बात मानेंगे? Shut up and listen to me, bloody scoundrels. मैं जो बोल रहा हूँ उसका सबूत है मेरे पास। इसने मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश भी मत करना। मेरे पास सारे सबूत हैं। अगर तुम चाहो तो मैं सारे सबूत पैसे के बदले तुम्हें सौंप दूंगा। आज शाम को मैं तुम्हारा शहर की सीमा के बाहर इंतजार करूंगा। अगर तुम आए तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, और अगर नहीं आए तो चुप हो जाओ। तुम जो कुछ बोल रहे हो वो झूठ है। अच्छी बात है, फिर तुम मत आओ, मैं सारे सबूत पुलिस को सौंप देता हूँ। गुड बाय। उस रात जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आज शाम को पता लगेगा।
हेलो 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 हेलो, कोई है? हेलो, गर्ट, इसका मतलब सच्चाई का पता लगाने के लिए जो जाल मैंने फेंका था वो सही था। उस रात को ललिता देवी के घर ये गया था। मिस्टर रामकुमार, ललिता देवी के केस को अब मैं देख रहा हूं, उसी सिलसिले में आपसे पूछताछ करने के लिए बुलाया है। इस केस से आपका क्या संबंध है? मेरा क्या संबंध है ये आपको बताना मैं जरूरी नहीं समझता। देखो, शराफत से पूछ रहा हूँ इसलिए बता दो, नहीं तो तुम्हें अरेस्ट भी कर सकता हूँ। तुम जैसे अफसर को पता होना चाहिए कि किसके मामले में दखल देना है। दखल दिया तो नौकरी चली जाएगी, धमकी दे रहे हो? देखो मिस्टर, मुझे किसी बात का डर नहीं है। मैं जो भी केस अपने हाथ में लेता हूँ उससे पीछे नहीं हटता हूँ। इसलिए शराफत से बताओ, तुम्हारा और ललिता देवी का क्या संबंध था? हम दोनों प्यार करते थे और शादी भी करने वाले थे। तुम एक मंत्री के बेटे हो, ऐसे में क्या तुम्हारे पिताजी एक साधारण सी डांसर से तुम्हारी शादी करवाते? वो राजी होते या नहीं होते, हम तो शादी करने वाले थे। अगर ये बात थी तो उसे आत्महत्या करने की क्या जरूरत पड़ गई? मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ, जब तुम्हारे जैसा आदमी उसे शादी करने के लिए तैयार था तो फिर उसे आत्महत्या करने की क्या जरूरत पड़ गई? इस बात से सबको शक होगा ही। आप सही कह रहे हैं, ललिता बहुत ही अलग किस्म की लड़की थी। जब उसे गुस्सा आता था वो क्या कर रही है क्या कह रही है उसे पता ही नहीं चलता था। उसने ऐसा पहले भी किया है, कई बार मरने की कोशिश करती थी। मैंने उसे कई बार रोका, बहुत समझाया सर, हर बार उसे बचा लेता था, पर इस बार नहीं बचा पाया सर। अब लगता है कि इंसान को अपने गुस्से पर हमेशा काबू रखना चाहिए सर। वेरी गुड, वैसे तुम नाटक बहुत अच्छा कर लेते हो। आप कहना क्या चाहते हैं? क्योंकि तुम सच में नाटक अच्छा करते हो। मतलब आप कहना चाहते हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ? आपको लगता है मैं नाटक कर रहा हूँ? एक मामूली सी डांसर ने आत्महत्या कर ली और आप मेरे पीछे पड़ गए? अगर हत्या एक मंत्री के बेटे की प्रेमिका की हो ना तो ये आम बात नहीं होती मिस्टर रामकुमार। मतलब ललिता की हत्या हुई? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, उस हत्या का और तुम्हारा जरूर कोई संबंध है। किससे बात कर रहे हैं जानते हैं आप? अच्छी तरह जानता हूँ मिस्टर रामकुमार, तुम एक झूठे इंसान हो। मिस्टर ऑफिसर, आप अपनी हद पार कर रहे हैं। शट अप, डैम यू। मुझे अपनी हद पता है, तुम मत समझाओ मुझे। मेरे पिताजी कौन है जानते हो? जानता हूँ, नोट देकर वोट जीतने वाले महान नेता है वो। उन्हें पता चला ना तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारे जैसे बिगड़े हुए बाप की औलादों को बहुत सीधा किया मैंने, तुम चाहो तो अपने बाप के पीछे जाके छुप सकते हो। यू कैन गो। हे, मैं जब भी तुम्हें बुलाऊं तुम्हें आना पड़ेगा, समझे? नाउ गेट आउट। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बैठो बैठो। थैंक यू। हाँ, मैंने तुम्हें चाकू सोचा था लेकिन तुम तो पूरे तलवार निकले। सॉरी सर, मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है, मैं अपने काम में बहुत ईमानदार हूँ। अब ठीक है, ये बताओ कॉफी लोगे या चाय या कुछ हॉट दो पैक बना दूँ? नहीं शुक्रिया, आपने मुझे क्यों बुलाया कारण बताएंगे? ठीक है, मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। वो क्या है कि मेरा बेटा राम थोड़ा चंचल स्वभाव का है, उम्र ही बेचारे की ऐसी है, कभी कभी बहक जाता है बेचारा। माँ बाप गलती माफ कर सकते हैं क्योंकि वो बच्चे को जन्म देते हैं, उसे पाल पोस के बड़ा करते हैं। कानून की नजर में गुनाह गुनाह है, सजा तो मिलेगी। अब क्या करना है तुम ही बोलो। मैंने उसे जन्म दिया है इसीलिए उसकी गलती पे पर्दा डालता हूँ, बाप हूँ और क्या करूँगा। ये सच है कि मेरा बेटा ललिता नाम की लड़की से प्यार करता था लेकिन उसने किसी और वजह से आत्महत्या की थी, और पुलिस का भी यही कहना है। सिर्फ तुम्हारा कहना है कि वो कसूरवार है, बहुत बड़ी गलती है तुम्हारी। मैं जो कर रहा हूँ वो गलती है ये सोचना आपकी गलती है। उस लड़की की मौत हत्या साबित होती है तो आपका बेटा आपके हाथों से चला गया, समझिए। अगर मेरे बेटे का बाल भी बाका किया तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। आपके छोड़ने ना छोड़ने से फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई तो बाहर आके रहेगी। तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए और ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि तुम एक मंत्री के बेटे की छानबीन कर रहे हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसकी छानबीन कर रहा हूं, चाहे वो मंत्री का बेटा हो या फिर आम इंसान, मेरे लिए एक ही बात है,
मैं सीधी राह पे चलता हूँ। सीधी राह पर चलना अच्छी बात है, लेकिन अगर आगे दीवार हो तो उसे टकराकर सर फोड़ लेना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम्हारी नौकरी चली जाए तो तुम्हारी औकात दो पैसे की नहीं रह जाएगी। नौकरी से गद्दारी करने से बेहतर है वैसी नौकरी को मैं छोड़ दूं। लेकिन जब तक मैं नौकरी में हूँ तुम्हारे जैसे लोगों की दाल नहीं गलने दूंगा। इंस्पेक्टर विक्रम, क्या तुम्हें यकीन है कि इस हत्या में मंत्री के बेटे का हाथ है? बिल्कुल सर, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। ठीक है, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए तुम्हारे पास सबूत हैं? मैं सारे सबूत लेके आऊंगा सर, लेकिन पहले आपको रामकुमार और उसके बाप को गिरफ्तार करने की परमिशन देनी होगी मुझे। बिल्कुल, अगर ऐसी नौबत आती है तो मैं खुद सीएम साहब से बात करूंगा। आप बिना डरे अपना काम कीजिए इंस्पेक्टर। थैंक यू सर। सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरे बेटे और उस डांसर का कोई संबंध नहीं है सर। बस करो, तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो। मैं एक जन सेवक हूँ, अगर कोई जनता के साथ बुरा करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सर, मुझे लगता है कि ये मेरे विपक्षियों का दुष्प्रचार है मेरे खिलाफ। मुझे लगता है कि इसमें विदेशी ताकतों का भी हाथ है सर। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि सच क्या है और झूठ क्या है? उस डांसर की मौत तुम्हारे बेटे के हाथों हुई है, ये बात पत्रकार, विपक्ष और आम जनता सब जानते हैं। सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मेरे कहने का मतलब ये था। मुझे कुछ नहीं सुनना, इस केस में तुम्हारा थोड़ा भी हाथ निकला तो तुम्हें डिसमिस कर दूंगा। ऐसा क्यों सर? अब तुम जा सकते हो। सर, इस केस से रामकुमार को बचाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलना है इसके बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें लगता है मैं बिना सोचे समझे आगे बढ़ रहा हूँ? तुम्हें पता है बैनर्जी, ये केस क्राइम ब्रांच तक पहुँच चुका है। पता नहीं अब क्या उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे। आने वाले एक दो दिनों में मेरा बेटा गिरफ्तार भी हो जाएगा और मेरा पॉलिटिकल करियर समाप्त हो जाएगा। मैं उन लोगों को सलाह देना चाहता हूं जो राजनीति में आना चाहते हैं, उन्हें शादी करके नसबंदी करा लेना चाहिए, कोई झमेला ही नहीं रह जाएगा। आप बेकार की चिंता कर रहे हैं, आपने इससे बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना किया है। पुरानी बातों को याद करने का कोई मतलब नहीं रह गया है। उस दिन सीएम साहब ने बुलाकर मुझे बहुत डांट सुनाई है, पता नहीं कौन कौन सी गालियां दी हैं उन्होंने। सर, सर आप चिंता मत कीजिए, मेरे दिमाग में कमाल का आइडिया है सर, इस केस से बाहर निकालने का रास्ता है। सच कह रहे हैं? हाँ सर। क्या कहा? मेरे स्पेशल इफेक्ट का तुमने एक प्रोग्राम रखा है? तुम क्या कह रहे हो मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे रवि लिसन, हमारा एक यूथ क्लब है, हर साल क्रिसमस और नए साल पे हम एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और जीतने वाले को बड़ा इनाम देते हैं। हर साल मेरा एक दोस्त इनाम जीतता है, लेकिन इस साल वो इनाम मुझे मिलना चाहिए मेरे भाई। वो तो ठीक है, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कर सकते हो, हाँ, उस दिन शूटिंग में तुमने जो बंदूकों की आवाज और खून से लथपथ सिपाहियों का सीन किया था ना, वही सीन हमारे प्रोग्राम में भी करना होगा। सॉरी दोस्त, मेरे प्रोफेशन को मजाक समझा है क्या? नो, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मना मत कर यार, तुम्हारे इस प्रोग्राम से मेरी इज्जत बच सकती है, कुछ भी करके मुझे जिता दो मेरे भाई, प्लीज। सुनो, मैं अपनी रोजी और कला का मजाक नहीं बना सकता, कभी भी नहीं। तुम जो काम सिनेमा के लिए करते हो वही काम यहाँ पे करो, अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुम्हें उसमें भागीदारी भी मिलेगी। यार तुम मेरी बात समझने की कोशिश तो करो, मैं ये नहीं कर सकता। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, क्रिसमस वाले दिन संता क्लॉज बनकर आना और डमी बंदूक से राम कुमार के ऊपर गोलियां बरसा देना, ऐसा नाटक करेंगे कि उसकी हत्या हो गई। ये सब देख के सब लोग शॉक हो जाएंगे, जब लोगों को पता चलेगा कि ये सब स्पेशल इफेक्ट है तो जनता शॉक्ड हो जाएगी और मुझे फर्स्ट प्राइज मिल जाएगा। ये इफेक्ट सिनेमा में ही काम करते हैं, आम जिंदगी में। बात सुनो, तुम जो सिनेमा में करते हो मेरे लिए कर दो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब हाँ बोलो और हाथ मिलाओ, चलो आप। ओके, तुम्हारे लिए एक बार करूंगा, लेकिन फिर कभी मत कहना। थैंक यू वेरी मच, अब मैं चलता हूँ। माँ और बहन दिखाई नहीं दे रही है? वो दोनों गाँव गई हैं, एक दो दिन में वापस आ जाएंगी। अच्छा, चलता हूँ, अपनी बात भूलना मत। अरे अब जा ना। बाय बाय। अच्छा बाबू, लाल पेन देना। अरे यार क्या कर रहे हो, इस साधारण बनियान से क्या होगा? कोई और काम होता तो कोई भी बनियान चल सकती थी,
लेकिन ये जो काम करने जा रहे हैं उसके लिए ये बनियान सही है। ए बाबू, जब मैं कहूँ तो बटन दबाना जिससे खून सही जगह से निकलेगा। सब कुछ नेचुरल लगना चाहिए। तुम चिंता मत करो गुरु, ये तो मेरा रोज का काम है। ठीक है, अब इसका नाप ले लो। रवि, एक बात तो बताओ, बुलेट तो नकली है ना? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है यार, मेरे इफेक्ट्स में जो असली दिखने वाली चीजें होती है ना, वो नकली होती है। ये सही कह रहे हैं, सिनेमा में तो सब नकली ही है, नाच गाना, फाइट, हंसना, प्रेम, सब नकली होता है। सुनो रवि, रात 9 बजे पार्टी शुरू हो जाएगी, ठीक 10 बजे तुम सेंटा क्लॉज बनकर रामकुमार पे गोली चलाओगे। हाँ। उसके बाद तुम कपड़े बदल कर घर चले जाना, और हाँ, ये देखने में बिल्कुल असली लगना चाहिए। तुम बिल्कुल चिंता मत करो यार, जब मैं गोली चलाऊंगा ना, सही रिएक्शन बस दे देना, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुनो, चेहरा बिगड़ जाए उसके लिए तो मेकअप की जरूरत होगी। हाँ, ये रहा वो मोल्ड, इसे चेहरे पर पहनने से जो भी इफेक्ट्स हैं उसका बिल्कुल सही असर दिखाई देगा, तुम देखना एकदम नेचुरल लगेगा। क्या बात है गुरु, प्रोग्राम में तो 4 चांद लग गए। वहां पर आए सब लोगों को विश्वास हो गया कि ये घटना असली है। तुमने अपना टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट रखा, तुम्हारे स्पेशल इफेक्ट का तो जवाब ही नहीं है, कमाल कर दिया गुरु। चल बस बस, अब ये सारा सामान पैक कर दे, हमें यहाँ से चलना होगा। Come on, hurry up. जल्दी। अरे सुनिए, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? कोई सेंटा क्लॉज के भेष में आया और मंत्री जी के बेटे को गोली मार दी। असल में ऐसा है। तो क्या वो सच में मर गया? एम्बुलेंस से अस्पताल ले गए। ये सब क्या है गुरु, नकली मौत को असली मौत बता रहे हैं? क्या कहूँ, मेरी तो खुद भी समझ में नहीं आ रहा। गुरु मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। सुनो, एक काम करो, तुम वैन लेकर घर जाओ, मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। ओके। रामकुमार, हाँ जल्दी करो, मुंह साफ कर लो, लो जल्दी साफ करो। लोगों के सामने जो मरा था वो ये है। इतनी जल्दी तुम लोगों को लाश कहाँ से मिल गई? किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी लाश नहीं है, सब समझेंगे कि तुम ही मरे हो। अब जल्दी से यहाँ से निकलना हो, तैयार हो जाओ। ड्राइवर वैन रोको। सुनो, तुम लोग एक काम करो, जल्दी से एम्बुलेंस को लो और अस्पताल जाओ। कम ऑन क्विक, चलो अंदर जाओ। रामकुमार फास्ट। हेलो हेलो बैनर्जी, ये सब क्या हो रहा है यार? सब लोग कह रहे हैं रामकुमार मर गया और उसे एम्बुलेंस में लेकर गए। अरे रवि, वो सब छोड़, तुमने नाटक को असल दिखाने के लिए बहुत अच्छा काम किया है, उसे थोड़ा और रोमांचक बनाने के लिए सस्पेंस क्रिएट कर दिया, दैट्स ऑल। क्या बोल रहा है यार,
दो मिनट का नाटक बोल के इतना लंबा खींच रहे हो, इसमें मैं भी शामिल हूँ, मुझे डर लग रहा है यार। डर लग रहा है? तुम क्यों डर रहे हो? राम कुमार का अभिनय लोगों को इतना पसंद आया कि उसे फर्स्ट प्राइज मिल जाएगा। वैसे तुम कहाँ से फोन कर रहे हो? इंदिरा पार्क के पास एक फोन बूथ से बात कर रहा हूँ। अच्छा तुम एक काम करो, तुम वही इंतजार करो, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, उसमें बैठ के यहाँ चले आओ, फिर सब बताता हूँ। ओके ठीक है। अगर इस दुनिया में किसी को पता है कि राम कुमार जिंदा है तो वो है रवि और उसका असिस्टेंट। इसलिए उन दोनों का काम तमाम करने के लिए मैंने उन्हें यहाँ बुलाया है, समझ गए? अभी वो लोग इंदिरा पार्क के पास टेलीफोन बूथ पे हमारा इंतजार कर रहे हैं, समझो अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। गो अहेड। वो देखो वो कौन है, पकड़ो चलो। बाबू बाबू क्या हुआ गुरु? ए, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, हम लोग बैनर्जी के जाल में फंस गए। मुझे मारने के लिए उसने अपने आदमियों को भेजा था, मैं किसी तरह बच गया हूँ। वही लोग हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। बाबू चल यहां से।
बाबू एक काम करो, पेट्रोल का केन लेकर आओ, जल्दी करो जल्दी, उसे सड़क पर डाल दो। डालता हूँ गुरु। या सक्सेस। एक खड़ी रहो, खड़ी रहो। हाँ हाँ। सुनिए जी, ये सब क्या हो रहा है? हमारा बेटा मर गया है, ऐसी खबर क्यों फैला रहे हैं सब लोग? ये तो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। एक काम करो, मेरा बेटा जिंदा है और ये सब मेरे मंत्री पति का नाटक है, ऐसा लेकर माइक पे चिल्लाओ, तभी जाकर के तुम्हें संतुष्टि मिलेगी ना। उसके बाद जब तुम्हारे बेटे को पकड़ कर ले जाएंगे तो फिर मेरे पास आकर रोना मत। हेलो, कौन? बनर्जी बोल रहे हो? हाँ सर। सब ठीक है ना? डोंट वरी सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। मैं रॉकी को लेके यहाँ गेस्ट हाउस पे आ गया हूँ सर। बहुत अच्छा। देखो, हमें फोन पे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, मैं सुबह वहाँ आता हूँ। आज रात तुम उसका ख्याल रखना। ओके ओके सर। पिताजी क्या पूछ रहे थे? कुछ खास नहीं, हमारा प्लान ठीक से कामयाब हुआ या नहीं ये पूछ। आपने और पिताजी ने मिलकर लाजवाब प्लान बनाया। इस इंस्पेक्टर विक्रम कुमार को तो मैं देख लूंगा, ये सब उसी की वजह से हुआ है। इसीलिए रॉकी, तुम्हें बहुत होशियार रहना होगा, चाहे कोई भी परिस्थिति हो बाहर मत जाना। कोई जरूरत हो तो मुझे फोन करना। तुम्हारे खाने पीने की सारी चीजें किचन में है, ठीक है? ए, ए बाबू, चल उठना। क्या? ए बाबू, ये हेडलाइन देखो। क्या हुआ? मंत्री शंकर प्रसाद के बेटे की निर्मम हत्या। कल रात को कोई भेष बदल के आया, उसने रामकुमार पर मशीन गन से गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी। हाँ? बेटे को मरा देखकर मंत्री जी को बहुत सदमा लगा है, ये एक बहुत बड़ी सनसनी है। उनका आज ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। ललिता हत्या केस में रामकुमार मुख्य आरोपी है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। मुख्य आरोपी? अब मेरी सब समझ में आ गया है। बेटे को हत्या के मामले से बचाने के लिए बैनर्जी ने यह सब नाटक किया है और हमें इस्तेमाल किया है। हमें सच्चाई पता है, इसलिए हमें जान से मारना चाहते हैं। हमारी जान इस समय खतरे में है। अब हम क्या करेंगे गुरु? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल तो उनकी नजरों से बचने के लिए हमें इसी होटल में रहना होगा। अपने बेटे को बचाने के लिए उसकी मौत का नाटक रच दिया, अब आगे क्या होगा? मैं भी यही बात सोच रहा हूं। एक काम करते हैं। क्या काम है? मेरा अमेरिका जाने का एक कार्यक्रम है, अगर उस कार्यक्रम को थोड़ा जल्दी कर दिया जाए, किसी तरह का अर्जेंट बताकर। तो आपके अमेरिका जाने और आपके बेटे का क्या संबंध है सर? पास आओ, बताता हूँ। जिस दिन मुझे जाना होगा उस दिन रॉकी का भेष बदल कर उस विमान में चढ़ा देना जिससे मैं जाऊंगा। एक बार मुंबई पहुंच गया तो वहां से अमेरिका जाना आसान हो जाएगा। अमेरिका पहुंचकर सारा इंतजाम करके मैं वहां से तुरंत वापस आ जाऊंगा। जब तक मैं वापस आऊंगा तब तक यहाँ पे सारा मामला ठंडा हो चुका होगा, प्रेस और विपक्ष वाले सब भूल चुके होंगे। यही है मेरा प्लान। अब इस प्लान पे तुम लोगों को अमल करना है, जाओ और अपना काम। ओके सर। वो नकली पासपोर्ट और बाकी मैटर को मैं संभाल लूंगा, आपके सफर का पूरा इंतजाम मैं कर दूंगा। इंस्पेक्टर विक्रम, हम लोग ललिता देवी की हत्या में मंत्री के बेटे रामकुमार को दोषी मान रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी भी हत्या हो गई है। एनीवे, ललिता देवी के केस को क्लोज कर दो। सर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं क्या आपसे एक सवाल कर सकता हूँ?
रामकुमार को किसने और क्यों मारा, ये बात आपने कभी सोची? हाँ, सोचने वाली बात तो है। बड़े बाप के बिगड़े बेटे के कई दुश्मन हो सकते हैं, उनमें से किसी ने मार दिया होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता सर, क्योंकि जब हम लोग ये बात साबित करने वाले थे कि ललिता की हत्या उसी के हाथों हुई है, ऐसे समय में कोई उसकी हत्या क्यों करेगा? उसे तो खुद ही सजा मिलने वाली थी। तो तुम्हें शक हो रहा है? ये हत्या बहुत ही अजीब है सर, मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है सर, इसमें जरूर कोई ना कोई बात है सर, प्लीज ये केस मुझे दे दीजिए सर। ऑल राइट मिस्टर विक्रम, तुम इतना जोर दे रहे हो तो जरूर कोई बात होगी। ओके, मंत्री के बेटे का केस भी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। थैंक यू सर, आई विल डू माई बेस्ट। हे माता, पाप करना भी पाप है और पाप करने वाले का साथ देना भी एक तरह का पाप है माता, मुझे क्षमा करना माता। जिस दिन से मैंने अपराध में साथ दिया है माता, मेरे मन की सारी शांति भंग हो गई, तब से अपने आप को माफ नहीं कर पाया हूँ मैं। हे माता, मेरी सारी गलतियों को क्षमा कर दो माता। चलो अरे कौन है? अरे तुम्हें पता है मैं यीशु की राह पे चलने वाला आदमी हूँ, अगर इस समय मैं ड्यूटी पे होता तो तुम्हारी साइकिल का चैन निकाल कर तुम्हें बिना साइकिल के भेज देता। मुझे माफ कर दो बेटा। अरे आप मैं फादर, मैंने समझा कोई और है, मैंने थोड़ी पी रखी थी, गलती हो गई, मुझसे माफ। गॉड ब्लेस यू बेटा, भगवान हमारे पापों को क्षमा करते हैं, लेकिन उनका नाम लेकर शराब पीना गलत बात है बेटा। मुझसे गलती हो गई फादर, अब दोबारा ऐसा नहीं करूंगा कभी। यस माय सन, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम आत्मा राम है, हेड कांस्टेबल हूं फादर। जीसस, हेड कांस्टेबल हो तो तुम्हें लोगों को सही रास्ता दिखाना चाहिए, और तुम खुद शराब पी के घूम रहे हो। मैं पहले कभी नहीं पीता था फादर, लेकिन इधर कुछ दिनों से मन में बहुत अशांति है, इसलिए पीने लगा। तुम्हारे मन की अशांति और दुखों का कारण क्या है माय सन? फादर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जो पाप करता है वो पापी, लेकिन उस पाप का साथ देने वाला भी पापी होता है क्या? भगवान की नजरों में दोनों पापी हैं। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुमने जो गलती की है वो पाप था? हाँ फादर, बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा। तुम एक काम करो बेटा, चर्च में जाकर अपने मन की बात बता दोगे तो तुम्हारा बोझ उतर जाएगा। प्रभु यीशु महान है, वो तुम्हारे पापों को जरूर क्षमा करेंगे। चलो चलो मेरे साथ। यीशु रक्षा करते हैं। माय सन, पापों को क्षमा करने वाले पवित्र प्रभु के सामने अपने मन का बोझ हल्का कर दो, जो भी कहना है कह दो। मैंने कोई गलती नहीं की है फादर, बस अनजाने में मुझसे छोटी सी भूल हो गई है फादर, मैंने किसी के पाप में उसका साथ दे दिया, इसलिए मन का बोझ बहुत बढ़ गया है फादर। तुम अपने मन के बोझ को यहाँ बता सकते हो माय सन? मैं बताना तो चाहता हूँ फादर, लेकिन डर रहा हूँ कि ये बात किसी और को पता चल गई तो मेरी जान जा सकती है फादर। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, निश्चिंत होके बताओ फादर। मेरी आंखों के सामने एक हत्या की गई और मैं उसे रोक नहीं पाया फादर, चुपचाप देखता रहा और कुछ नहीं कह पाया। क्या हुआ, क्या बात है, बोलो सर। ललिता देवी ने आत्महत्या नहीं की,
उनकी हत्या की गई है। क्या? वो हत्या करने वाला कोई और नहीं सर, मंत्री शंकर प्रसाद का बेटा राम कुमार है। उसे हत्या करते हुए मैंने जो वीडियो कैसेट बनाई थी उसे उन गुंडों ने जला दी सर। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर वो कैसेट मेरे हाथ लग जाती तो मैं किसी भी कीमत में उसे गिरफ्तार कर लेता। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा प्रमोशन भी रुक गया है, इतना जरूरी सबूत नष्ट हो गया। आप चिंता मत कीजिए सर, उन्होंने जो कैसेट जलाई थी वो नकली कैसेट थी, असली कैसेट मेरे पास है। सच कह रहे हो? वेरी गुड, कम ऑन, वो कैसेट कहाँ है बताओ, चलो मेरे साथ चलो। ए किशोर, उसके पास जो कैसेट है वो कहाँ है? सर वो आपके लोगों ने जला दी। वेरी गुड वेरी गुड, अब उसके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं। नहीं सर, जो कैसेट जलाई थी वो नकली थी, असली कैसेट उस आदमी के पास। क्या कहा, उसने असली की जगह नकली कैसेट भी बना रखी है, बहुत चालाक लगता है। वो असली कैसेट कहाँ है? फिक्र मत कीजिए, वही लेने जा रहा हूँ, आप चलिए सर। बैठो। ए पकड़ो उसे, भाग रहा है वो। इसके साथ तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, पुलिस गिरी चलेगी। बोल बे, बोल, असली कैसेट कहाँ है, बोल दे, बताएगा या नहीं, बोल बोल बोल, असली कैसेट कहाँ है, बोल बोल, वरना जान से मार दूंगा तुझे, बोल बोल, कहाँ है सबूत, कैसेट कहाँ है, बता बता, कैसेट कहाँ है बता। कैसेट कहाँ है बताने से पहले ही मर गया। मेरी बात सुनो, इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए, ओके? मैं भी उस पाप का भागीदार बन गया फादर। आपको बताने से पहले ये बात मेरे मन पे बोझ बनी हुई थी, लेकिन अब मेरे मन में एक नया डर पैदा हो गया फादर। वो क्या सन? ये राज अभी तक मेरे दिल में छुपी हुई थी, अभी अगर बाहर आ गई तो मेरी नौकरी भी जाएगी और जान भी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी फादर। थैंक यू माय सन, मुझे माफ करना। आ, सर ये तो धोखा है, फादर के वेश में आपने मुझसे सारा कन्फेशन करा लिया, ये तो गलत है, ऐसा आपने क्यों किया? क्यों किया? मुझे इसके सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखा, तुमसे सच्चाई बाहर निकलवाने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। मैंने अपनी ड्यूटी की है, मुझे यकीन है प्रभु यीशु मुझे माफ कर देंगे। चलो। राम बाबू को जलाने से पहले उनका पूरा सामान इतना ही है क्या? हाँ फादर। हाँ सर। आर यू श्योर? मेरे पास और कुछ नहीं है सर। ठीक है, फिर इस पे साइन कर दो। लेकिन साइन क्यों सर? चुपचाप करो, गवाह बन गया तो मुझे जान से मार देंगे सर। ओ, तुम उसकी चिंता मत करो, इस केस में तुम चश्मदीद हो, तुम्हें और तुम्हारी नौकरी को कोई खतरा नहीं होगा, ओके? चुपचाप साइन करो। सर अब मैं जा सकता हूँ ना? नहीं बैठो, आज रात तुम्हारे लिए एक जरूरी काम है, वो करके जाना।
हेलो आप, आइए आइए। क्या बात है, इतनी रात गए, यहाँ कैसे आना हुआ? पुलिस और चोर के लिए दिन रात कुछ नहीं होता, ये बात आप अच्छी तरह से जानते होंगे मिस्टर किशोर। हाँ जानता हूँ, पर आप कहना क्या चाहते हैं? तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं? तुम्हें राम बाबू की हत्या के जुर्म में अरेस्ट कर रहा हूँ। What do you mean? I mean what I say. मैं एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हूँ, आप अपनी हद में रहिए। तुमने जो किया है उससे खाकी वर्दी को दाग लग गया, लेकिन अब सच्चाई मेरे सामने आ गई है मिस्टर किशोर। मिस्टर विक्रम, आप क्राइम ब्रांच के ऑफिसर हो, इसका मतलब ये नहीं कि आधी रात को बिना सबूत के आप इस तरह से मुझे परेशान करें। तुम्हें सबूत चाहिए? डेफिनेटली। इंस्पेक्टर सर, आपने मुझसे कहा था कि मैं किसी को ना बताऊं। ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताई। फिर भी अगर गलती हुई हो तो प्रभु मुझे माफ करेंगे। क्यों मिस्टर किशोर, आपने जो गुनाह किया है उसके लिए सबूत काफी है ना? मिस्टर विक्रम, किसी को भी अरेस्ट करने के पहले अरेस्ट वारंट की जरूरत होती है। ओ, ये देखो अरेस्ट वारंट। हेलो। हेलो, आप जर्नलिस्ट ज्योति है ना? जी हाँ। मैं विक्रम हूँ, क्राइम ब्रांच से। अंदर आइए ना, बैठिए। थैंक्स। ये फोटो आपके भाई की है, जरा देखिए इसे। हाँ सर, उसके बारे में कुछ पता चला? मुझे माफ कीजिए मिस ज्योति, ही इज नो मोर, उसका खून हो गया है। ज्योति जी प्लीज प्लीज अपने आप को संभालिए। मैं समझ सकता हूं आपके दिल पे क्या बीत रही होगी, जो होना था वो हो गया। अगर आप हमारा साथ नहीं देंगी तो हम आपके भाई की हत्या के बारे में नहीं पता लगा पाएंगे। आखिरी बार अपने भाई को कब देखा था, कुछ बता सकती हैं? 18 तारीख शुक्रवार की सुबह देखा था। उस दिन बाहर जाते वक्त उसने कुछ बताया था क्या? वीडियो कैमरा किसी को दिया है, वापस लेने की बात कर रहे थे। और कुछ कहा था क्या? उन्होंने कहा था कि उन्हें किसी जरूरी काम से बैंक जाना है। बैंक जाने की बात बोली थी। ये आपके भाई की घड़ी है, जरा देखिए। और इस चाबी के बारे में कुछ जानती हैं क्या? ये तो हमारे जॉइंट बैंक लॉकर की चाबी है। इसका मतलब इस लॉकर का इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं? हाँ कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इससे मेरे भाई के हत्या का क्या संबंध है। अगर मेरा अनुमान सही है तो उस लॉकर में आपके भाई की हत्या का मुख्य कारण और सबूत हो सकता है।
इस होटल में हमें 3 दिन हो गए हैं। माँ भी गांव से वापस आ गई होंगी, वो दोनों परेशान होंगी। तो चलो घर चलते हैं गुरु, वहां जाने से हमारी जान को खतरा है। एक काम करें। हेलो, ज्योति स्पीकिंग। मुझे लगता है तुम्हें ये सारी बातें विक्रम जी को बतानी चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, कार लेकर होटल आती हूँ, वहाँ से एक साथ उनके पास जाएंगे, ठीक है ना? आई सी, इसका मतलब है उस पार्टी में तुमने ही राजकुमार के ऊपर नकली गोली चलाई। हाँ सर, मुझे भरोसा दिलाया गया था कि वो सिर्फ एक नाटक है। मुझे यकीन है कि रामकुमार कहीं छिपा बैठा है, ललिता देवी की हत्या से बचने के लिए सारा खेल रचा गया है। तुम सही कह रहे हो, ललिता देवी की हत्या के केस में कानून से बचने के लिए उन लोगों ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है और लोगों को हत्या का विश्वास दिला दिया। देखो मिस्टर रवि, तुम्हें क्या लगता है वो कहाँ जा सकते हैं? कुछ कह नहीं सकता सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रामकुमार? वो मेरे घर में नहीं छिप सकता, क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। तो हमें पता लगाना होगा कि वो कहाँ है। मंत्री शंकर जी जिंदाबाद, 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 मंत्री शंकर जी जिंदाबाद। हमने जैसा प्लान किया था वैसा ही चल रहा है ना? हमारे प्लान में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी ना? मंत्री शंकर जी जिंदाबाद, 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 मंत्री शंकर जी जिंदाबाद। आपका साथ ही मेरी शक्ति है, आप सबके आशीर्वाद से मैं अमेरिका जा रहा हूँ। रवि तुम आगे जाओ। ठीक है। बैनर्जी साहब है? आप कौन हैं? मैं उनका दोस्त हूँ। वो किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। कब तक आएंगे? मुझे नहीं पता। सच बताओ बैनर्जी कहाँ है? बताओ कहाँ है वो? मुझे नहीं पता। सच बताओ। मैं नहीं जानती। मुझे पता है तुम सब जानती हो, इसलिए शराफत से बताओ कहाँ है वो। बोलो कहाँ है वो। हेलो बनर्जी सर हैं क्या? नहीं है। आप कौन? रामकुमार। हेलो, हम पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। पासपोर्ट रेडी हो गया क्या? हाँ रेडी हो गया है, आपका दस्तखत चाहिए, आप आ सकते हैं। जरूर, क्यों नहीं आऊंगा। कितनी बार कहा है फोन मत किया कर। हेलो हेलो हेलो, किसका फोन था? पासपोर्ट ऑफिस से फोन था, मेरा साइन चाहिए था। नॉनसेंस, पासपोर्ट और टिकट तो मेरे पास है। तो फिर फोन किसने किया होगा? इससे पहले कि उसे पता चले कि ये फेक कॉल था और वो बच के निकल जाए, हमें वहां पहुंचना होगा। चलो। ओके। रवि फोन। किसी ने हमें फंसाने के लिए काम किया है। रामकुमार अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, कम ऑन, इससे पहले कि कोई आ जाए निकलो यहाँ से। ए सुनो, जल्दी गाड़ी निकालो। निकल क्या, जल्दी करो। म-
मंत्री शंकर जी जिंदाबाद, 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 मंत्री शंकर जी जिंदाबाद। मेरी अमेरिका यात्रा के लिए शुभकामना देने आए यहाँ उपस्थित सभी मित्रों, शुभचिंतकों, पार्टी कार्यकर्ताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और उन्हें नमस्कार करता हूँ। अपने देश की ख्याति को विदेशों में बढ़ाने और उसे बताने के लिए और अपने देश की महानता को वहाँ उजागर करने के लिए राष्ट्र ने मुझे यह अवसर दिया है, यह सौभाग्य की बात है। हिंदी भाषा एक महान भाषा है, ये बात अमेरिका में जाकर मैं लोगों को बताना चाहूँगा और हमारी सांस्कृतिक महानता, हमारी लोक कथाएं, नृत्य संगीत, इसका वीडियो कैसेट बनाकर ले जा रहा हूँ ताकि लोगों को दिखा सकूँ। ये कैसेट आप सबको भी दिखाना चाहता हूँ। एक मिनट सर, वहाँ वो कैसेट नहीं, ये कैसेट चलेगी। कैसे एक हत्या को आत्महत्या का रूप दिया गया वो ये कैसेट दिखाएगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसे देख के आप लोग खुद फैसला करें कि ललिता ने आत्महत्या की थी या हत्या। रवि, मंत्री जी के बेटे को जरा लेकर के आओ। यह आपका वही बेटा है ना जिसे आपने दुनिया के सामने मरा हुआ घोषित कर दिया था। देखिए, वो आपके सामने खड़ा है। देखिए देखिए सर, ललिता देवी की हत्या को आत्महत्या का केस देने के लिए सब नाटक रचा गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, वहां देखिए, अच्छी तरह से देखिए। इतना फरेब, इतना बड़ा झूठ। तुम मर चुके हो, सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि मैं भी यही समझता था। अपराध करने वाला कोई साधारण आदमी हो या मंत्री का बेटा हो, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। इंस्पेक्टर, इसे ले जाइए और सजा दीजिए। हैट्स ऑफ मंत्री जी, हैट्स ऑफ। अपराधी बेटे को सजा दिलवाने वाले पिता को मेरा सलाम। स्वीकार कीजिए मंत्री जी, पूरा प्रेस आपके सामने बैठा हुआ है। कुछ कहना चाहेंगे आप? जिस रात ललिता देवी की हत्या हुई थी, उस रात आपके बेटे के वापस आने के बाद आप उसके घर क्यों गए? हैं? क्या कहा? मैं डांसर के घर गया था? मुझे क्या जरूरत है? वो तो आप बताएंगे कि वहाँ आपको क्या जरूरत थी, है कि नहीं मंत्री जी? मुझसे बकवास मत करो इंस्पेक्टर। तुम्हें पता है लोगों ने विश्वास करके मुझे मंत्री बनाया है। इस देश की इज्जत बढ़ाने के लिए विदेशी दौरे पर जा रहा हूँ। और मैं जानता हूँ आप कितने महान नेता हैं, लेकिन कानून की नजरों में सब बराबर हैं। आप चाहे कितने भी बड़े पद पे क्यों ना बैठे हो, अगर आपने पाप किया है तो वो कम नहीं हो जाएगा। What do you mean? कहना क्या चाहते हो? मैंने क्या गुनाह किया है? मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि आपने गुनाह किया है। Officer, you are talking too much and rubbish. तुमने खाकी पहनी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक मर्यादित इंसान पे कोई भी इल्जाम लगा दो। All right, तुम्हारे पास सबूत क्या है मेरी गुनाह का? आपको सबूत चाहिए? Yes. जरा रुकिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब भी देखिए। क्या रे, घुंघरू बांधने वाली औरत मेरे बेटे से शादी करना चाहती है? ऐसी बात नहीं है, वो मुझसे प्यार करते हैं। मैं उनके बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ। तुम अपने प्यार में फंसा कर मेरे बेटे से शादी करना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। तुम्हें इन बातों से कोई फायदा नहीं होगा, समझे? मुझे छोड़ दीजिए, मैं कहीं दूर चली जाऊंगी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। तुम कहीं भी चली जाओ, लेकिन खतरा बनी रहोगी। तुम्हें ऐसी जगह भेजना चाहता हूँ जहाँ से वापसी मत आओ।
जनता के द्वारा चुने हुए जन प्रतिनिधि जी, अब आपके पापों का सबूत आपको मिल गया ना, क्या कहना चाहेंगे अब आप बोलिए? जब आप खून कर रहे थे तो वहां वीडियो कैमरा लगा हुआ था, ये आपको पता ही नहीं था? स्टॉप इट, आप कानून के शिकंजे में हैं। कम ऑन, कम ऑन, हटो हटो, फोटो नहीं, फोटो नहीं, फोटो नहीं। वारे मेरी औलाद, पता नहीं किस नक्षत्र में पैदा हुआ था, तेरी वजह से आज मैं जेल यात्रा पे जा रहा हूँ, मर जा। चलो अंदर, चलो। इंस्पेक्टर, thank you.